हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंकज कुमार आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मरीगांव डॉक शिप बिल्डर की तरफ से एक ग्रुप एबीसी की वैकेंसी आई थी, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम पहले होने वाला था, लेकिन फिर लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया था। और जो अभी नया एग्ज़ाम डेट होगा उसका डेट भी आ चुकी है और एडमिट कार्ड की डेट भी आ चुकी है। तो एडमिट कार्ड जब डेट आएगी, जब डाउनलोड करना होगा, तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके पास मेल आए हैं। अगर आपने अभी अपना फॉर्म भरा था तो आप भी जल्दी से अपना मेल आईडी चेक कर लीजिए। तो चलिए, एक हम मेल आईडी का मेरे पास कुछ फ़ोटो हैं, तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने मेल आईडी का खोला हुआ है, जिसमें इन्होंने मेल में लिखा है वर्ग कै खे गए यानी एबीसी के लिए, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी इन्होंने एग्ज़ाम डेट 14 सितंबर 2022 को बताया है। तो 14 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बाद इन्होंने अपना हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जारी करने का डेट भी बता दिया है, जो कि 25 अगस्त 2022 को होने वाला है। तो दोस्तों, 25 अगस्त 2022 को आपका हॉल टिकट निकलेगा। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने अपनी ऑनलाइन की डेट भी बता दी है, जो कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद इन्होंने 14 सितंबर इन्होंने बताया था। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने अगर एक मेल आईडी भी दिया है, अगर किसी कैंडिडेट का या नाम नहीं आया है, या फिर किसी को रिजेक्ट कर दिया गया है, किसी का कोई भी इंक्वायरी रहता है, तो इसके लिए उनसे आप मेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये इन्होंने अपना मेल आईडी दिया है, mdlats@mazdaok.com। दोस्तों, इस पर आप मेल कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मेल कर सकते हैं, या फिर उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इस पर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, कॉन्टेक्ट ओनली सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर को 4:30 बजे तक करना है, इन्होंने अपना ये दिया हुआ है। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि अगर एडमिट कार्ड आता है तो वह कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले मरीगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, जो कि एक इनका ऑनलाइन रिक्वायरमेंट का मैंने पेज खोला हुआ है, जिसमें आपको लॉगिन पेज पर जाना है। लॉगिन पेज पर जाने के बाद आपको अपना यूज़र नेम एंटर करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते समय या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय अपना पासवर्ड और यूज़र नेम जो भी मिला है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूँगा, तब भी आपको पता चल जाएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।